नीरज चोपड़ा के गांव में इस समय हम लोग हैं। नीरज चोपड़ा कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि पांच जोन की पार्किंग जो है यहां पर तैयार की गई है। पहले ही पार्किंग में हम लोग खड़े हैं। मतरोडा से ये रास्ता जो है खंडरा की तरफ जाता है। यहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के जवान और खासतौर पर मतरोडा पुलिस यहाँ पर तैनात की गई। यहाँ पर एक पार्किंग बनाई गई है। यहाँ पर जो है पहले पार्किंग गाड़ी करके आगे जाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर पार्किंग होगी, उसके बाद आगे जो है एरिया शुरू होता है। और यहाँ पर युवाओं में खास तौर पर जोश बना हुआ है। ये रास्ता जो है नीरज के गांव को ही जा रहा है और जितने भी लोग हैं यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके जाएंगे, उसके बाद जो है एंट्री यहाँ पर की जाएगी। आप गांव से हो क्या? हाँ, डाकोड़ा गांव से हैं जी। डाकोड़ा गांव से अंकल जी हैं जी। अच्छा नीरज, अब तो सारे अंकल जी को, चाचा को, मामा को। हम चोपड़ा परिवार से हैं जी। चोपड़ा परिवार से। हाँ जी, डाकोड़ा गांव से। पहले हमारा गांव यही था जी, खंडरा। अच्छा, कैसे आ रहे हो यहाँ? हाँ जी, भाई को मिलने आए जी, देखने आए हैं भतीजे को। उसको कितनी खुशी हो रही है? हाँ जी, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही जी। अच्छा, हाँ जी। तो कभी नीरज से मुलाकात हुई पहले? आज से पहले? हाँ जी, नहीं, बच्चा था जी, जब आए थे मिलने के लिए जब देखा था जी। आप तो कह रहे उसके अंकल के ये? हाँ जी, आप हम तो काफी कई 30 सालों से यहाँ से छोड़ के चले गए थे जी उधर। अच्छा, हाँ जी, आज उसको देखने के लिए आए हैं। हाँ जी, तो युवाओं में जोश भरा हुआ है। यहाँ से जो है नीरज के गांव की एंट्री होती है। यहाँ पर युवा जो लोग हैं उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु शर्मा। कहाँ रहते हो? गांव में रहते हैं। गांव में नीरज देखा था कभी? देखा जी। कब देखा? कितने साल पहले? ये देखा 3-4 महीने पहले। 3-4 महीने पहले ये था? हाँ। अच्छा, उसकी तरह बनना चाह रहे हो? क्या करते हो आप? बनना तो चाह, फिर कुछ सुविधा नहीं मिलती गाँव में। कुछ सुविधा नहीं है जी? ठीक है। नीरज कैसे कर गया इतनी बिना सुविधा हो गया? बिना सुविधा हो गया, उनके घर वाले 15-16 किलोमीटर जाता था वो पानीपत में, इसलिए हो गया उसका। अच्छा, फिर आप भी आगे फिर ऐसे 15-16 किलोमीटर जाओगे? क्या 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 कहना चाहूँगा जी? गाँव में स्टेडियम होना चाहिए, मैं कहना चाहूँगा स्टेडियम होना चाहिए। स्टेडियम होना चाहिए, ये युवाओं की मांग है जो नीरज भाई को बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। देने आ रहे हो? कैसा मतलब फील हो रहा है अंदर से? क्योंकि छोटे से गाँव का बच्चा जो माहौल है जी पूरे गाँव में, हमें बहुत अच्छा लगा है। एक गोल्ड मेडल आया हमारे भाई का पूरे इंडिया में, पूरे देश को बहुत खुशी हो रही है इसके लिए। और कौन से गाँव से? मैं करंस गांव से हूँ। करंस गांव सिर्फ देखने के लिए, मिलने के लिए आ रहा हूँ? नहीं, भाई के साथ हूँ मैं। कल से भाई के साथ हूँ। जगह जगह स्वागत हो रहा है भाई का? हाँ जी, सुबह से चले थे समाड़का से, जगह जगह स्वागत हो रहा है भाई। तो नीरज चोपड़ा के गांव के पास बिल्कुल हम पहुँच चुके हैं। थोड़ी ही देर में नीरज चोपड़ा यहाँ पर पहुँचेंगे, तो तमाम तस्वीरें आपको दिखा दें। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा है। लोगों को जो भी जा रहा है उसकी चेकिंग की जा रही है और इधर अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर नीरज चोपड़ा का गांव जो है वो शुरू होता है, उसके गांव की एंट्री शुरू होती है। तो कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये स्पेशल बनाई गई हैं टी शर्टें? हाँ जी। कहाँ से बनवाई है? ये पानीपत से बनवाई जी। पानीपत से? कितने लोगों ने बनवाई? ये 100-150 लोगों ने बनवाई जी, जो परिवार से है, परिवार या पड़ोसी है जो। आप कौन लगते हो नीरज के? मैं तो भाई है जी, मेरा भाई है। लास्ट टाइम कब आया था नीरज यहाँ? लास्ट टाइम जी 2 महीने पहले आया था। उस टाइम को बातचीत हुई आपकी उसके साथ? बातचीत तो ये कह के कहा था जी गांव वालों से कि गोल्डी लेके आऊँ, अब तो वरना गांव में नहीं आऊँगा इतना। अच्छा, पहले तैयारी थी? पहले तैयारी थी। हाँ जी, ये बोल के कहा था सारे गाँव के, आऊँगा तो गोल्डी लेके आऊँगा। हाँ जी, कितनी खुशी हो रही है आपके परिवार? आप देख लो जी, खुशी के लिए कोई शब्द ही नहीं है जी, बिल्कुल कोई शब्द है ही नहीं खुशी के। हमारे गाँव में इतना माहौल हो रहा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी है जी। पूरे हरियाणा में, पूरे देश में हमारे गांव, छोटे ही गांव का नाम रोशन कर दिया जी हमारे। क्या करते हो आप? हम जिस पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं। तो लगता है कि ऐसे भी बनना होगा नीरज की तरह? हाँ जी, गांव में बिल्कुल अकेडमी खोल दी गई है छोटे छोटे बच्चे। हाँ जी, कब खोल दी? ये कम से कम 3-4 महीने हो गए जी अकेडमी में, कम से कम 100-150 बच्चे जाओ जी प्रैक्टिस। 150 बच्चे उसमें? तो ये इस तरह की जो खास जो है आई कार्ड जो है बनाए गए हैं वॉलंटियर के तौर पर, इन्हें कहा जा सकता है। तो इस तरह की जो टी शर्टें हैं वो बनाई गई हैं। तो इस तरफ से जो रास्ता है नीरज चोपड़ा के गांव को जा रहा है, इस लाइव तस्वीरों को आप शेयर जरूर करते रहें। वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से हम लोग लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ औरतें भी हैं, कुछ युवा भी हैं, बुज़ुर्ग हैं गाँव के, हर कोई चाहता है कि
नीरज को एक बारी देखें, नीरज के साथ एक बारी मिलें। स्वर्ण पदक की उपलब्धि पर हार्दिक शुभकामनाएं टोक्यो ओलंपिक 2020। स्क्रीन पर देख रहे हैं HDFC बैंक की तरफ से ये लगाए गए हैं। तो तमाम जितनी भी कंपनियां हैं उस जाहिर तौर पर नीरज चोपड़ा को अपनी ऐड में लेना चाहेंगी। तो गांव में हम लोग खड़े हैं, युवाओं से बातचीत की। ये देखिए कुछ घूंघट वाली महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। इन्हीं से बातचीत करते हो, ताई यही क्या गाँव की है? हाँ जी, गाँव के। कैसे आ रहे हो? नीरज चोपड़ा में देखने जी। नीरज चोपड़ा अब से पहले देखा था यहाँ? देखा जी, देखा जी, देखा क्या था? हाँ, आज उसको बस देखने आ रहे हो? हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। आज नाम रोशन कर दिया उसने, गांव का भी नाम रोशन कर दिया, माँ बापा का भी नाम रोशन कर दिया, हमारे वर्ग का भी नाम रोशन कर दिया। हम गाँव के हैं। कभी इतनी भीड़, कभी इतने नेता, कभी सरकारी गाड़ियाँ देखी थी? नहीं देखी जी, बहुत खुशी मिली जी, हमने बहुत खुशी मिली। क्या कर रही थी? हम तो नीरज चोपड़ा ने देखने आ रहे हैं जी, मारे गांव में खुशी हो रही है आज। खुशी हो रही है जी। कौन जाना था खंदरे नहीं भी नीरज चोपड़ा के, उस तक खंदरे ने जान तो लग गए जी। खंदरा ना कोई किसी न्यू नहीं बेरा था, खंदरा कड़े ही है। ठीक चोपड़ा ने बताया मारे। इस गांव में दिक्कत क्या है, मतलब पानी की, सीवरेज की, लाइट की? ठीक है जी, स्कूल की दिक्कत है, बारह बारह जमात का होना चाहिए जी। बैंक की दिक्कत है यहाँ जी, खेलना जी, उसकी भी दिक्कत है। स्टेडियम को नहीं है? हाँ नहीं जी, नहीं वो भी नहीं है जी, है ना जी। लगा है मुख्यमंत्री सारे देख रहे हैं मंत्री, ये लगा कि गांव का सुधार होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा नाम चाहिए जी, होना चाहिए गांव का, सारी पूरी कर देगा। मारे बर्गिया बच्चा जब भी कोई जनता और गुआंड में पिरसन लेन जावे, अरे ये छोटा है बैंक बनवा दे, मारे बर्गिया की सर पी सर का ले तो ले हुए हैं और जी देखो देखो जी। हाँ, तो ये गांव के बुजुर्ग हैं जो नीरज चोपड़ा को अपना आशीर्वाद देने आई हैं। तो देश के बड़े खिलाड़ी भी सर कैसे पहुँचे यहाँ? हम रोहतक से पहुँचे हैं और अपनी गाड़ी लेके आए हैं। रोहतक से आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। नीरज चोपड़ा को देखने? यस यस, मैं अपने बारे में कुछ बताना, मैं भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। हाँ, जैवलिन थ्रो का इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। 2018 में मैंने सिल्वर मेडल जीता एशिया पैसिफिक मास्टर गेम में, और मेरे पास 93 मेडल हैं इस टाइम पे जैवलिन थ्रो के। और अभी जापान में वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैम्पियनशिप होनी है मई 2022 में, उसमें मैंने पार्टिसिपेशन करनी है, मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। कितनी उम्र आपकी? मेरी 61 साल उम्र हो गई है। अरे वाह, 61 साल की उम्र में। हाँ जी, हाँ जी, पूरा जोश है। हाँ जी, हाँ जी। इस बच्चे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बच्चे के साथ मैंने इसको, छोटा जब ये था तो मैंने इसको देखा था खेलते हुए, मैंने इसको यहाँ ट्रेनिंग करने आते थे हम, तो जब ये छोटा सा था तो हमने इसको देखा था खेलते हुए और बड़ा अच्छा लगता था। उस टाइम इसका वजन बहुत ज़्यादा था तो वजन कम करने आया था। एक इसका दोस्त है सन्नी, वो मेरा दोस्त भी है, तो सन्नी के साथ ये, फिर सन्नी इसको इस लाइन में लेके आया था कि आप जैवलिन थ्रो कीजिए। तो के कोच ही हो आप उसके पुराने, मतलब आप उसका वजन कम कर ये मैं तो पहचानता ये ना, तो मैं स्पेशली मिलने आया हूँ, इसके लिए मैंने मोमेंटो बनवा रखा है स्पेशली। अच्छा, ये उसको देंगे आप, डेडिकेट करेंगे ये दिखाइए। गुलशन शर्मा आपका नाम है? गुलशन शर्मा नाम है मेरा। अच्छा, तो कितने टाइम पहले मिले थे आप इसे नीरज से? मैं 13 साल पहले मिला था इसको। 13 साल बाद मिलने जा रहे? 10 साल बाद, सॉरी 13 साल का था ये तो मिला था मैं इसको। उसके बाद फिर हम साई अकेडमी मिले थे हिसार में, तो वहाँ मिलने के बाद फिर हम, उसके बाद जब ये मेडल जीता तो मैं पूरे शहर में, रोहतक शहर के अंदर समाज सेवी ने मेरे और नीरज चोपड़ा के पोस्टर लगवाए थे। तो ये भी इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं और जैसे कि बता रहे हैं कि एक शील्ड उनके लिए लेकर आए हैं, उन्हें देंगे। तो नीरज चोपड़ा कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। गाँव से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, साथ के साथ ये शेयर जरूर करें। गांव की महिलाओं का कहना है कि स्टेडियम नहीं है, लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं सही ढंग से, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें ताकि हर आदमी के पास ये वीडियो जो है पहुंच सके। खंडरा गांव से आप ये सीधी तस्वीरें समय लाइव देख रहे थे, लाइव जुड़े हुए हैं आप खंडरा गाँव से। तो युवाओं में ख़ास तौर पर जोश बना हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं। नीरज की एक झलक पाने के लिए युवा
बच्चे बुजुर्ग महिलाएं यहां पर पहुंचे। किसी तरह एक झलक जो है नीरज चोपड़ा की दिख जाए। तो पुलिसकर्मी जो है उनकी ड्यूटियां भी लागे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पार्किंग चार पांच पार्किंग बना रखी हैं, बिल्कुल समूचली ट्रैफिक को पार्किंग किया जा रहा है। अपनी तरफ से एज ए पुलिस मैन अच्छा लग रहा है कि पूरे देश में नाम रोशन किया नीरज चोपड़ा। नाम रोशन तो किया ही है, गोल्ड मेडलिस्ट अपना चोपड़ा साहब ही हो गया अभी तो, क्योंकि अफसर भी भर्ती होने जा रहे हैं शायद, ठीक है, हर गांव पहुंच रहे हैं अपने। तो हर नारायण थे हमारे साथ, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटियां जो है वो भी निभा रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा जब आएंगे फिर से दोबारा हम आपके साथ लाइव होंगे, तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। सौ वर्षों से विश्वसनीय इस ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812145।